हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शरत। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल स्मार्ट शरत टेक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक आईटी कंपनी का रिलेटेड। आपको मालूम होगा, दो दिन से आईटी सेक्टर में इंफोसिस का जो डाउन ट्रेड काम चल रहा है, साथ ही साथ टीसीएस भी परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है। ऐसा आईटी सेक्टर अभी फुल जैसे डाउन ट्रेड हो रहे है, वही डाउन ट्रेड का अंदर एक आईटी कंपनी आज दौड़ता हुआ घोड़ा जैसा दौड़ रहा है। और साथ ही साथ आज उसका कंपनी का रिजल्ट था और बोनस डिक्लेयर किया कंपनी, डिविडेंड डिक्लेयर किया, ये सब आप लोग यही वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आपको पूरा वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहता हूँ ये कंपनी का नाम, उसके बाद उसका आज का रिजल्ट। कंपनी का नाम SCL टेक्नोलॉजी। ये एक आईटी सेक्टर में थर्ड रैंक में आता है इंडिया में। SCL टेक्नोलॉजी एक आईटी कंपनी है और आज हम लोग देखेंगे पहले आज का कैसा कारोबार था मार्केट में। तो आज उसका कारोबार जो था, क्लोजिंग दिया है 1102 पे, और अप देखेंगे तो आज का दिन में कितना अप गया था, कितना पॉइंट, 37 पॉइंट आज अप जाके क्लोजिंग दिया। प्रीवियस डे का क्लोजिंग देखेंगे तो 1064 था, आज ओपनिंग हुआ था 1070 में, 6 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुआ था। हाई मारा है 11,003 का, लो मारा है 1,068 का। क्वांटिटी आज ट्रेड कितना हुआ है उसमें 39,14,000 अबव, और क्वांटिटी डिलीवरी में गया है 20,93,000। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखेंगे तो 53% क्वांटिटी आज डिलीवरी में गया। क्यों ना, कंपनी आज बोनस डिक्लेयर करने वाला था मार्केट को, शायद अंदाज था। तो 52 के हाई और लो देख लेते। हाई है 11,187 जो कि 30 अप्रैल 2019 को मारा था, और लो मारा है 920 का जो 11 जनवरी 2019 को मारा था। तो हम लोग आ जाते हैं अभी उसका रिजल्ट पे, नहीं एक बार देख देते मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 144,4020 का मार्केट कैपिटलाइजेशन। EPS है उसका 72.59 है, फेस वैल्यू 2 रुपया का है। प्रमोटर होल्डिंग उसमें 60% है, कुछ भी इशू नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग जबरदस्त है। और प्लेज हुआ क्वांटिटी जो गिरवी रखा हुआ क्वांटिटी 0 है, सबसे बढ़िया। डेप्थ है बहुत ही कम, 41,4195 करोड़। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। हम लोग आ जाते हैं अभी अपना आज का रिजल्ट के साथ साथ बोनस और डिविडेंड को भी देने वाला है। पहले चलते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट जो दिया है, दमदार रिजल्ट दिया है। जैसे इंफोसिस का रिजल्ट जैसा था मार्केट में, फिर गिरा था इंफोसिस रिजल्ट का नेक्स्ट डे। TCS का रिजल्ट आने के बाद TCS फिर भी गिरा था, अभी भी वही गिरावट के अंदर ही है। लेकिन SCL टेक्नोलॉजी कल आपको जबरदस्त पैसा देना ही है, वो मेरे को लगता है कल तो 50 पॉइंट भी ऊपर भी जा सकता है टेक्नोलॉजी एक ही दिन में। तो आज का रिजल्ट उसका देखेंगे, टोटल इनकम देखते हैं। मैं रिजल्ट जो जितना ही जरूरी है, हम लोग को जितना ही एक्सपेक्ट है उतना देऊंगा आप लोग को, क्योंकि अननेसेसरी पूरा का पूरा लेके बैठने का कुछ मतलब ही नहीं रहता है। जो मेन चीज जिसके थ्रू मार्केट उसको एक्शन करेगा, वही हम लोग, मैं आप लोग को देता हूँ। तो रिजल्ट है, टोटल इनकम है, इनकम देखेंगे Q2 19 का, मीन्स अभी का, तो 17,629 करोड़।
तो क्वार्टर टू 18 का देखेंगे ओनली था 5,144 करोड़। तो क्वार्टर टू 18 से लेकर क्वार्टर टू 19 को हम लोग कंपेयर करेंगे, हम लोग देखे जम कितना ना, 2,500 का जम, जबरदस्त जंप है। कौन सा? टोटल इनकम में। तो क्वार्टर टू का 19 का क्या था, क्वार्टर वन 19 का क्या था ना, 16,610 करोड़। तो क्वार्टर वन से हम लोग भी जंप अच्छा खासा है। तो अभी देख लेते प्रॉफिट, प्रॉफिट है उसका क्वार्टर टू 19 का 2,711 करोड़ से, और क्वार्टर टू का 18 का था 2,534 है, उसमें भी हम लोग 180 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट में है। तो भाई जंप इतना हम लोग किए हैं। तो अर्निंग पर शेयर कितना है ना, अभी का जो क्वार्टर टू 19 का है 19.96 रुपीस का है। तो क्वार्टर टू 18 का क्या था ना, 18.20 रुपीस का है। तो उसमें भी हम लोग आज जंप देखने मिला। तो ओवरऑल देखा जाए रिजल्ट, HCL टेक्नोलॉजी जबरदस्त छप्पर फाड़ कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कल तो उसको 50 पॉइंट तो जाना ही है अप। मीन्स आप ये मान के चल सकते कल उसका टारगेट रह सकता है 1160 का आसपास, ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, ये कोई फाइनल टारगेट नहीं है। तो साथ ही साथ देखेंगे हम लोग डिविडेंड। आपको मालूम है वो TCS इन्फोसिस जैसा बड़ा डिविडेंड देता है नहीं, वो ओनली 2 रुपीज़ का रिजल्ट डिविडेंड देता है। इस टाइम भी वही 2 रुपीज़ का डिविडेंड दे रहा है, और डिविडेंड का डेट भी अनाउंस हो गया है, वो है 1 नवंबर 2019। 1 नवंबर 2019 के अंदर अगर आपके पास ये शेयर रहेगा तो आपको डेफिनेटली आपको डिविडेंड मिल जाएगा। साथ ही साथ कंपनी ने आज एक इतना बड़ा धमाका किया है जो कि TCS को नज़र में रखकर, सॉरी इन्फोसिस को नज़र में रखकर, इन्फोसिस का शेयर जैसे गिर रहा है तो इन्फोसिस का पैसा को ये लेगा उठाकर, वैसा लग रहा है मुझे। क्योंकि मार्केट में जैसे शेयर होल्डर इन्फोसिस से शेयर क्वांटिटी निकाल के, पैसा निकाल के जैसे पैकेट में डाल रहे, वो पैसा क्या करेंगे ना, वो ला के HCL टेक्नोलॉजी में डालना है उनको। इसके वजह से ये नज़र रखते हुए HCL टेक्नोलॉजी दिमाग लगा है, बराबर क्या मौका में छक्का मारा है HCL टेक्नोलॉजी। वो पैसा सब ये उसका पास ले आने के लिए कोशिश किए, और वो कामयाब भी मिल सकता है उनको, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी जो बोनस डिक्लेयर किए वो 1:1, अगर आपका पास 100 शेयर है आपको उसके बदले में और 100 शेयर मिल जाएगा, अगर आपके पास 10 शेयर है आपको 20 शेयर मिल जाएगा। तो ये देख के इन्फोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे डाउन हो रहा है, वो पैसा को ये लेने के लिए कोशिश किए हैं। बट बोनस डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन बोनस रिकॉर्ड डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे अनाउंस हो जाएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो इतना ही तय है जे बोनस 1:1 देने का फाइनल हो गया है, और ये बोनस कब आएगा उसका मैं आपको भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन ये बोनस जब भी आएगा तो ये आने से पहले आपको मालूम है शेयर होल्डर से एक बार परमिशन लेना पड़ता है उनको। तो ये जैसे वो लोग उनका जो डॉक्यूमेंटेड पार्ट्स कंप्लीट हो जाता है तभी बोनस डिक्लेयर कर देंगे डेट। तो ओवरऑल देखा जाए HCL टेक्नोलॉजी कल का दिन में छप्पर फाड़ के पैसा देना ही है, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, रिजल्ट्स टॉप टॉप बेटर है। तो उसके बाद उसका बोनस भी डेट, बोनस का भी 1:1 दे दिया है। ये सब के साथ मुझे लग रहा है HCL टेक्नोलॉजी कल एक बड़ा धमाका करेगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, मेरा इन्फॉर्मेशन आपको सही लगता है, तो
प्लीज़ जाके मेरा वीडियो को, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और न्यू व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा जाके मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स देने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।